सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल मुस्कान फैशन बुटीक। सो गाइज, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्यूटीफुल ट्रेंडिंग 3D फ्लावर्स बनाना। सो गाइज, ये देखिए लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है ये इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग फ्लावर्स है। एंड गाइज, इसको बनाना जितना ये दिखने में सुंदर है उतना ही इन्हें बनाना आसान है गाइज। एंड इसके साथ में ये देखिए मैंने एक लहंगा वेयर किया, एंड इसके साथ में ही गाइज हमने एक दुपट्टा वेयर किया है मिरर वर्क वाला। सो गाइज, ये देखिए इसका बनने के बाद काफ़ी सुंदर लुक आया है। एंड जितना ही दिखने में सुंदर है उतना ही बनाना इसे आसान है। सो चलिए गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और गाइज, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो हमारी आईडी है मुस्कान फैशन बुटीक। सो वहाँ पर भी हम लेटेस्ट ट्रेंडिंग स्लीव्स एंड नेक की गाउन वगैरह की वीडियो अपलोड करते हैं। सो गाइज, हमें आप फॉलो कर लीजिए। सो ये देखिए गाइज, इस तरह से हमने एक लेस ली है इस पर लगाने के लिए, एंड रेड एंड वाइट कलर से फैब्रिक लिया, इस पर हम फ्लावर बनाएंगे। सो गाइज़, ये देखिए हमारे पास ओल्ड कुर्ती है। सो गाइज़, ये सिंपली कुर्ती जो नॉर्मल कुर्ती होती है वही कुर्ती पर हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर। सो आप बनाकर भी कुर्ती पर इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो हमारे पास पहले से कुर्ती है, सो हम इस पर डिज़ाइन करेंगे गाइज। ये देखिए गाइज, यहाँ पर हम इस तरह से बेल बनाएंगे, जो सिंपली फ्लावर्स की बेल होती है उस डिज़ाइन कर लेंगे हम यहाँ पर। एंड जिस तरह के भी आपको डिज़ाइन बनाना हो वैसे आप इसको बनाकर रेडी कर लीजिए गाइज। सो ये देखिए, हम यहाँ पर फाइनल 5 फ्लावर्स बनाकर रेडी करेंगे। सो ये देखिए, इस तरह से हमने इस पर बेल बनाकर रेडी किए गाइस। देन अगेन, जहाँ पर हमें फ्लावर्स बनाना वहाँ पर हम एक सर्कल से मार्क करेंगे गाइस। सो ये देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर इसे रेडी करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमें 5 फ्लावर्स बनाना है। सो इस तरह से हमने मार्क किया है गाइस यहाँ पर। एंड अगेन में गाइज, ये देखिए इस तरह से हम थोड़ा सा फ्लावर यहाँ पर ज़्यादा लंबा बन गया था, तो हम यहाँ पर इसको इसके लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको मिलाकर बनाएंगे। सो ये देखिए गाइज, हमने फाइनल यहाँ पर 5 फ्लावर्स बनाकर रेडी करना है। एंड अगेन गाइज, जो हमने यहाँ पर लेस रखी है उस पर हमें जो हमने बेल बनाई है पहले उस वाली लेस को हमने यहाँ पर अटैच करना है। सो गाइज, गोटा लेस है, यहाँ पर हमने सिल्वर कलर में गोटा लेस को लिया है। एंड अगेन गाइज, हम यहाँ पर ये देखिए फ्लावर को बना, ये देखिए गाइज यहाँ पर हमने एक हार्ड पेपर लिया है। सो गाइज, ये देखिए यहाँ पर इस पर हम राउंड सर्कल मार्क करेंगे। एंड गाइज, आपसे नहीं बनता है सो आप यहाँ पर बैंगल से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइज, इसे हम परफेक्टली गोलाई से मार्क कर लेंगे। देन अगेन गाइज, यहाँ पर हमें इसकी कटिंग करना है। सो हमने इसे मार्क किया गाइज, एंड यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे। सो जिस तरह से हमने इसे मार्क किया उस तरह से उसे गोलाई से घुमाते हुए हम मार्क कर लेंगे गाइस। एंड आप चाहो तो आप इसे छोटा या बड़ा आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको रख सकते हैं। सो हमने इसे मीडियम सर्कल पर ही बनाकर कट किया है गाइस। एंड इस पर आप फ्लावर्स भी बना सकते हैं पिटल वाला। सो गाइस, हमने उसकी वीडियो आप पहले से बना रखी है पिटल वाले फ्लावर्स की। सो उस पर हमने नेट फैब्रिक लगाया था, सो आप उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम स्टिचिंग करते हैं, लेट्स गो। सो ये देखिए गाइस, सबसे पहले हमें यहाँ पर गोटा लेस को अटैच करना है। सो जिस तरह से हमने यहाँ पर बेल्स बनाकर रेडी किए गाइस, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके ऊपर लेस को बनाना है। सो जिस तरह हमारी लाइन्स हमने ड्रॉ की यहाँ बनाकर, हम उसे कम्प्लीटली अटैच करेंगे। सो ये देखिए गाइस, जिस तरह से हमने यहाँ पर रो को बनाकर कंप्लीट किया है, हमने ये देखिए गोलाई से उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर गोटा लेस भी अटैच्ड करना है। एंड जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से हमारी लेस की लाइन जहाँ तक है वहाँ तक हम इसे अटैच्ड करेंगे। देन अगेन, सेकेंड वाली रो भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है लेस लगाकर। सो ये देखिए, हम फाइनली जो हमारी बेल है उसे हम कंप्लीट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग। सो गाइस, जितनी भी हमारी रो है उसे हम कंप्लीट करेंगे। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमने फाइनली इस तरह से कम्प्लीटली बेल रेडी की है। एंड अगेन, यहाँ पर इस पेपर से हमें फ्लावर्स बनाकर रेडी करना है। सो चलिए गाइज, हम इस तरह से यहाँ पर एक फैब्रिक लिया हमने वाइट कलर में। सो हम यहाँ पर वाइट कलर से फैब्रिक बनाएंगे। सो गाइज, ये देखिए, हम यहाँ पर सेंटर पर हमने एक पॉइंट से निशान लगाया है। देन अगेन, यहाँ पर हम इस तरह से सर्कल वाले पेपर को रखेंगे, एंड इस पर हमें स्टिचिंग करना है। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हम इसे राउंडली सर्कल में घुमाते हुए सिलाई लगाएंगे। सो जिस तरह से हमारा फैब्रिक नीचे रखा हमने वाइट कलर का और ऊपर हमने पेपर को रखा है इस तरह से, ये देखिए, एंड गोलाई से घुमाते हुए हमें स्टिचिंग करना है। सो सर्कल वाला हमारा राउंडली हमने सेपर पेपर रखा है यहाँ पर।
सो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके साइड पर सिलाई लगानी। सो ये देखिए हमने कम्प्लीटली इस पर स्टिचिंग की है गोलाई से। देन अगेन यहाँ पर जो हमारा ये पेपर है उसे हम यहाँ से अलग कर लेंगे। ये देखिए गाइस यहाँ पर हमने धागे को कट किया है एंड इस तरह से हमारा सर्कल परफेक्ट फिनिशिंग से सिलाई की है हमने इस पर। एंड अगेन गाइस यहाँ पर हमें इस पर चुन्नट बनाना है। सो ये देखिए इस तरह से हमें चुन्नट बनाना है इस पर छोटी छोटी सी एंड सारे फैब्रिक को हमें सेंटर पर इकट्ठा करना है। सो इस तरह से हम इस पर चुन्नट भी बनाएंगे एंड सिलाई भी लगाएंगे। सो ये देखिए गाइस यहाँ पर हम इस तरह से इसको फैब्रिक को रखेंगे एंड इस तरफ हम एक साइड पर ले आएंगे इस वाले फैब्रिक को एंड इसके सेंटर पर हमें चुन्नट बनाते हुए सिलाई लगानी। सो जिस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ गाइस उस तरह से हम इसे कंप्लीट करना है पूरे फ्लावर्स को। सो गाइस यहाँ पर हम गोलाई से बिल्कुल फिनिशिंग से इसे राउंडली स्टिच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए एंड छोटे छोटे चुन्नट बनाना है हमें इस पर। देन अगेन गाइस जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे यहाँ पर। सो ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर हम कटिंग कर लेंगे एंड सेंटर से हमें बिल्कुल फिनिशिंग से इसे कट कर लेना है। देन अगेन गाइस यहाँ पर हमें एक और फ्लावर्स बनाकर रेडी करना है। जो ये वाला फ्लावर्स बनाया हमने सेम इसी की तरह हम यहाँ पर भी कंप्लीट फ्लावर बनाएंगे। सो ये देखिए हम रेड कलर का फ्लावर बनाएंगे। सो जितना हमें फैब्रिक चाहिए फ्रेंड्स उतना हम कट कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस जहाँ पर हमने सर्कल्स बनाया है फ्लावर बनाकर ऐड करना है हमें वहाँ पर हम सेंटर पर इस फैब्रिक को रखेंगे देन इसके ऊपर जो हमारा पेपर वाला सर्कल है उसे रखना है। सो ध्यान से देखिए गाइस इस तरह से हमने जो पहला वाला फ्लावर बनाया है सेम उसी प्रोसेसिंग से हमें इसे भी कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर राउंड शेप दे से सिलाई लगाएंगे हम गोलाई से जिस तरह का हमारा ये पेपर कट करा हमने उसकी चारों तरफ हमें इस तरह से गोलाई से सिलाई लगाते रहना है गाइस। एंड गाइस जिसके पास एम्ब्रॉयडरी हुप्स नहीं होते वो जो लकड़ी का सर्कल आता है सो आप इजीली आप इसे डायरेक्टली मशीन से बना सकते हैं। सो गाइस ये देखिए हमारे पास था उसकी वीडियो हमने पहले से बना रखी है जो हमने पिटल बनाई थी उस तरह से लेकिन इस बार हम इसे डायरेक्टली ही मशीन पर बना रहे हैं। सो ये देखिए गाइस यहाँ पर हम इस पर फिर से जो हमने पहला वाला फ्लावर बनाया उसी तरह हमें इस पर चुन्नट बनानी है यहाँ से। सो इस तरह से हम छोटी छोटी चुन्नट्स बनाते रहेंगे इस पर एंड अगेन गाइस यहाँ पर हमें सिलाई चलाते रहना है। सो ये देखिए हम इस तरह से फैब्रिक को सेंटर पर ले आएंगे एंड चारों तरफ से हम छोटी छोटी चुन्नट बनाकर रेडी करेंगे। सो ये देखिए गाइस इस तरह से हम गोलाई से चारों तरफ में सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। एंड गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को नहीं लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेट मिलता है एंड इतनी मेहनत करते हम, सो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस इसे हम फाइनल यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। सो छोटी छोटी चुन्नट बनाकर हमें स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना, जैसे कि हमने पहला वाला फ्लावर यहाँ पर कंप्लीट कर दिखाया था आपको सेम उसी के तरह से हमें कंप्लीट करना है। एंड अगेन गाइस ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है सेंटर वाला उसे हमें कट कर लेना है। सो ये देखिए हम छोटे छोटे जो हमारे सेंटर के फैब्रिक है उसे हम इक्वल साइज पर कट कर लेंगे एंड इसे फिनिशिंग से अटैच्ड करना है। सो ये देखिए गाइस जिस तरह से हमने इसे कम्प्लीटली यहाँ पर छोटे वाले फैब्रिक को भी कट किया है। देन अगेन गाइस ये देखिए इस तरह से हमने इसे कम्प्लीट बनाकर रेडी किया है एंड जो एक्स्ट्रा धागा है उसे भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे। एंड अगेन गाइज यहाँ पर हमने ये देखिए सीक्वेंस वाला फैब्रिक लिया है गाइज। सो गाइज इसे हम यहाँ पर राउंड सर्कल पर कट करेंगे एंड जो हमारा फ्लावर्स है उसके सेंटर पर हमें अटैच्ड करना है यहाँ पर। सो ये देखिए इस तरह से हम सर्कल मोशन में इसको कट कर लेंगे बिल्कुल गोलाई से। सो गाइज ये हमारे पास पहले से ही रखा है डिज़ाइनर फैब्रिक एंड आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लेस वगैरह भी अटैच्ड कर सकते हैं एंड जो छोटे लेस वाले फ्लावर्स होते हैं उसे भी आप स्टिच कर लीजिए। सो इससे फ्लावर का लुक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये देखिए गाइज हमने इसे गोलाई से कट किया है फैब्रिक को एंड अगेन गाइज यहाँ पर हमें यहाँ सेंटर पर इसे अटैच्ड कर लेना है। सो हम इसे सिलाई से अटैच्ड कर लेंगे। सो ये देखिए गाइज जिस तरह से हमने फ्लावर्स बनाकर स्टिच किया गोलाई से उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके सेंटर पर भी गोलाई से फ्लावर को अटैच्ड करना है। सो यहाँ पर हम सिलाई चलाते रहेंगे एंड इसे बिल्कुल फिनिशिंग से राउंड सर्कल पर अटैच्ड कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस यहाँ पर हमने सिलाई चलाते हुए सेंटर पर इस
फ्लावर को अटैच्ड किया है। देन अगेन गाइज यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, धागे हैं हमारे, उसे हमें कट कर लेना है। सो ये देखिए गाइज, इस तरह से ये फ्लावर्स बनाकर हमने रेडी किया है। एंड इसी के अकॉर्डिंग में हमें सारे फ्लावर्स यहाँ पर बनाकर कंप्लीट करना है। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमने रेड वाइट बनाया है। सो हम यहाँ पर फिर से वाइट बनाएंगे, फिर यहाँ पर रेड एंड सेंटर पर फिर से वाइट बनाना है। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमारे चारों फ्लावर्स कम्प्लीटली बन चुके हैं। एंड ये जो लास्ट वाला है हमारा सेंटर वाला, उसे हम फिर से आपको बनाकर दिखा रहे हैं गाइज। ये देखिए, हमने फैब्रिक को रखा है नीचे एंड ऊपर में हमने इस तरह से सर्कल वाले पेपर को रखा है एंड गोलाई से इस फैब्रिक पर अटैच्ड करना है। सो गाइज ये देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। देन अगेन हमें इस सर्कल को हटाना है एंड जो ये हमारे बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम सेंटर पर लाएंगे इस तरह से। एंड यहाँ पर हमें छोटी छोटी चुन्नट बनाते हुए सिलाई लगानी है। सो फिनिशिंग से हम इस पर अटैच्ड करेंगे यहाँ पर चुन्नट बनाकर गाइज। ये देखिए, इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाते रहेंगे एंड छोटी छोटी हमें चुन्नट बनाते रहना है। एंड अगेन गाइज, जो हमने इस तरफ चुन्नट बनाकर रेडी किया उस फैब्रिक को हम हटाएंगे एंड जिस तरफ नहीं बनाई है वहाँ से हमें फिर से चुन्नट बनाते हुए फैब्रिक को सेंटर पर लाना है। सो सेंटर पर ही हम इस पर चुन्नट बनाएंगे एंड इस पर सिलाई भी लगा लेंगे। सो वो गोलाई से हम इस पर अटैच्ड कर लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग से चुन्नट बनाते हुए। सो गाइस, हमारा फ्लावर्स काफ़ी सुंदर दिखेगा जितनी फिनिशिंग से हम बनाएंगे। एंड काफ़ी इजी है गाइस इसे बनाना। सो ये देखिए, हम यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेंगे। देन जिस तरह से हमने आपको सीक्वेंस फैब्रिक का सर्कल स्टिच कर बताया है, सेम उसी प्रोसेस से हमें यहाँ पर गोलाई से इस फैब्रिक को अटैच्ड कर लेना है। सो यहाँ पर इस तरह से हमें गोलाई से सिलाई लगाते रहना है एंड जो हमने बाकी के फ्लावर अटैच्ड किए इसे भी हम उसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज, ये देखिए, हमने इसे गोलाई से सिलाई लगाकर कंप्लीट किया है एंड एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे यहाँ पर। सो ये देखिए गाइज, इस तरह से फाइनल 5 फ्लावर्स हमने रेडी किए हैं बनाकर। एंड मैं आपको वियर कर बताती हूँ कि हमने इसे हमारा लुक कैसा आया है। सो ये देखिए गाइज, हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आप वीडियो पर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सो ये देखिए गाइज, इसके साथ में हमने ये लहंगा वियर किया है वाइट कलर का एंड साथ में ही हमने एक वाइट कलर का मिरर वर्क दुपट्टा वियर किया है। सो ये देखिए गाइज, इसका लुक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़